हाय एवरीवन, माइसेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं दिया। इन्होंने पीपीएमईटी एग्जाम को क्वालिफाई किया है काफी अच्छे परसेंटाइल के साथ। सो जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, कितना परसेंटाइल है? माय नेम इज दिया, आई एम फ्रॉम लुधियाना पंजाब। आई स्कोर 94% इन पीपीएमईटी एग्जाम। ओके, आपने पीपीएमईटी के अलावा क्या कोई और एग्जाम भी दिया? नो। ओके, एक्चुअली मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम था, बिकॉज मैंने पेपर अबाउट 20 डेज में पीपीमेट का एग्ज़ाम की रिवीजन किया है, एंड इसी वजह से मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम करके मैंने कोई दूसरा पेपर फिल करने का टाइम नहीं था मेरे पास। ओके, तो इससे पहले आपके क्या प्लान थे? मेरे पहले अब्रॉड जाने के प्लान थे, एंड मैंने 2 मंथ्स की पीटीए की रिवीजन ली कर ली थी, एंड मैं अभी एग्ज़ाम देने ही वाली थी, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बैंक इश्यूज, सो फिर मेरा अब्रॉड जाने का प्लान कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? लाइक बीएससी नर्सिंग करने के बाद अब्रॉड फिर देन। ठीक है, ओके। पीपीएमईटी में आप अपने मार्क्स एंड अदर डिटेल्स भी शेयर कर दीजिए। लाइक मैंने अभी बताया कि जैसे मैंने जस्ट 20 डेज बिफोर ही मतलब लाइक एग्ज़ाम को स्टार्ट किया था, सनी कोचिंग क्लासेस से मैंने स्टार्ट की थी रिवीजन करनी, एंड मैंने जस्ट उनकी जस्ट जब फिल आउट की तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे उसी दिन से हमारी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया था एट नाइट 7 o'clock। उन्होंने 7 to 10 3 hours क्लासेस ली थी, एंड देन रेगुलर वो स्टडी करवाने लगे, अबाउट 7 to 8 hours वो करवाते थे, एंड देन सेल्फ स्टडी को भी मेरा अबाउट 6 to 7 hours में सेल्फ स्टडी को देती थी, और मैंने 20 डेज पूरा 6 to 7 hours सेल्फ स्टडी को भी दिया। ओके, क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखी गई थी? हाँ जी, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस लाइक जैसे जैसे भी 4 classes 2 to 3 hours सर भी लेते थे, इवन इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्लीट्यूड की भी लेते थे, एंड मैम भी 2 to 3 hours एक्स्ट्रा बायो का करवा रहे थे। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पीपीएमईटी एग्ज़ाम अब कैसा है, ईजी, मॉडरेट, टफ, किस लेवल का है? पीपीमेट एग्ज़ाम ईजी है, इस बार तो ईजी आया था, बट हाँ ईजी था। तो अभी आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो नेक्स्ट ईयर पीपीएमईटी की तैयारी कर रहे हैं? कि लाइक पहले ही आप अपना प्लान को प्रॉपरली सोचो कि क्या करना है, जल्दी जल्दी में कुछ ना करो। ठीक है, ओके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। डिफिकल्ट? फिजिक्स। ओके, फिजिक्स को ईजी कैसे बनाएं? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, मेन तो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं जिसमें हम लैग करते हैं, मेन तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ही होती है, बाकी तो फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल वो बाकी सब हो जाता है, लाइक डेरिवेशन सब कुछ हो जाता है, बस मेन तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ओके। कोई ऐसे टिप्स जो आप कहो कि भाई ये मत करना, अवॉइड करना अपने एक्सपीरियंस पे? लैक ऑफ रिविजन, जितनी रिवीजन हो सकती है, सेल्फ रिवीजन भी, एंड इवन इंस्टीट्यूट में भी लाइक करवाते हैं वो भी प्रॉपरली, रिवीजन डे टू डे बाय करो, और लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है, आपका बिगेस्ट फियर क्या था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मुझे तो 20 डेज में मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरा क्लियर होगा, और मुझे तो यही था कि नहीं हुआ तो अगले साल तो देना ही है, इस साल मतलब लाइक नहीं हुआ तो अगले साल है, बट मुझे यही था कि मेरा पेपर शायद नहीं होगा क्लियर। ओके, आपने MBBS या ऐसे किसी मेडिकल फील्ड में अदर में जाने को नहीं सोचा? नहीं, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे मना कर दिया था, शी इज़ डॉक्टर, सो उन्होंने कहा था कि MBBS जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपने ब्रॉड ही जाना। जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या रोल मॉडल क्या रहा? टीचर्स एंड माई पेरेंट्स, बिकॉज दे सपोर्ट मी लॉट। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि कोई ना तुझे इसी साल करना है, दे डिडंट फोर्स मी, एंड उन्होंने मुझे कहा कि अगले साल भी तू कर सकती है, सो हम मेरे पेरेंट्स आर माई टीचर्स। ठीक है, ओके। जब अगर स्टडी करते टाइम कोई डाउट होता था तो आप कैसे पूछते थे, अपने डाउट्स कैसे क्लियर करते थे? मैं मैसेज कर देती थी, देन सर एट कोई भी टाइम पे हो सर मैसेज इवनली कॉल भी कर देते थे, मैम भी अवेलेबल हो जाते थे एंड आंसर जरूर दे देते थे। ठीक है, ठीक है, ओके। आप कहाँ से हो? मैं लुधियाने से हूँ।
ओके, फिर आपने ऑनलाइन कोर्स क्यों प्रेफर किया? मेरे पास 20 डेज ही थे और मैंने मॉक टेस्ट प्रेफर किया था, सो दैट्स व्हाई उन्होंने मतलब लाइक हमारा मॉक ऑनलाइन था कोर्स. ओके, तो आपके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट पेपर का कितना रोल होता है? मॉक टेस्ट पेपर क्या तो बहुत रोल था, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मोस्टली वहाँ से ही आए थे. मैं लाइक डेली टू डेली मैंने मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस की है, एंड जैसे इन्होंने मतलब मैम और सर ने इतना मतलब रिटन रिवीजन हमारी कराई, अबाउट मेरे 20 डेज में 6 नोटबुक्स फिल आउट हो गई थी, एंड वो डेली वो नोटबुक्स की रिवीजन करती थी. सो बहुत इन्होंने भी बहुत मैम ने भी करवाई है. ठीक है, फिर इतनी नोटबुक्स फिल करनी रिवाइज करनी मुश्किल नहीं होती? नहीं, फिर मैं डेली कर लेती थी तो फिर कवर भी हो जाती थी, एंड एंडिंग लाइक एंडिंग टाइम में भी मैंने वो कवर किया. ठीक है, और वो हेल्पफुल भी रही एग्जाम के लिए? हाँ जी, बहुत हेल्पफुल रही है. ठीक है ओके. तो आपने जब ज्वाइन किया होगा सनी कोचिंग क्लासेस, आपकी जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, क्या वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई? हाँ जी, जब मैंने ज्वाइन किया था फर्स्टली तो मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी थी, एंड देन स्टार्टिंग में तो मैंने अगले दिन मैं रोने लग गई थी कि मुझसे नहीं क्लियर होगा, बट डेली टू डेली रिवीजन करने से उन जैसे मैम करवाते थे सर करवाते थे उससे मुझे होने लगा कि शायद हो भी सकता है कि ठीक है. हाँ जी ओके. अगर पढ़ते टाइम कभी डीमोटिवेशन हो गई, जैसे अभी आपने कहा कि भाई हो नहीं रहा या मेरे से नहीं होगा, तो उससे वापस वही मोटिवेटेड स्टेज में आप कैसे आते थे? लाइक माई फ्रेंड्स माई फैमिली वो सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि कभी भी हार जिंदगी में आती है, सो हार को भी जीतो, मतलब हार को भी मानो, हार को भी मानना चाहिए. सो फिर उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाती थी. ठीक है, कोई रिग्रेट तो नहीं है ऐसी सी ज्वाइन करके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रिग्रेट है. ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरी जगह से है, मतलब किसी दूसरे सिटी से है, लुधियाना से नहीं है, तो उसे अगर वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो उसे अपने घर पे ही रह के ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए या पे पीजी वगैरह लेके ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए? ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन भी ये प्रॉपरली मतलब लाइक एक मतलब आप ये नहीं रिग्रेट कर सकते कि आपने ऑनलाइन क्लास लेके रिग्रेशन कर रहे हो. नहीं, ऑनलाइन भी वैसे ही तैयारी करवाते हैं जैसे ऑफलाइन होती है, सो मच बेटर इज ऑनलाइन. ठीक है ओके. एक तो आपने जो पढ़ाई करी, आपने रिजल्ट लिया, अचीवमेंट किया, सही है. दूसरी चीज़ आपने और क्या सीखी इस टाइम में? मैंने इस टाइम में सीखा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, जो मेरे में था नहीं 20 डेज के लिए, सो वो मेन था कि मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखूं. ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए मतलब स्टूडेंट yes. को भी. ठीक है. अब आपकी इस अचीवमेंट का आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? टीचर्स एंड फैमिली. थर्ड खुद को भी मेहनत करी है तभी बट मेन टीचर्स है, बिकॉज जहाँ मैं नहीं लगती सनी कोचिंग क्लासेस देन आई डोंट थिंक दैट कि मैं क्लियर कर पाती है. ओके, इतना ट्रस्ट है? हाँ जी. ठीक है. ऑनलाइन क्लासेस में मेन डिस्ट्रैक्शंस का बड़ा हाथ होता है कि मतलब कोई आ गया या नोटिफिकेशन आ गया, अदर एप्स मतलब हैं, सोशल मीडिया है, तो आप उनसे कैसे दूर रहते थे? मैंने एक्चुअली फ़ोन मेरा डाउनस्टेयर्स होता था, मैं और मेरा लैपटॉप मैं ऊपर बैठ के पढ़ती होती थी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस लैपटॉप में तो नहीं होते हैं, बिकॉज लैपटॉप में सिर्फ जस्ट स्टडी करती थी एंड देन मेरा फ़ोन डाउनस्टेयर्स होता था. ओके ठीक है, आप स्टडी मटेरियल क्या कुछ फॉलो करते थे? मैंने स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी की बायो की मैंने 2 times रिवीजन कर ली थी, एंड सर ने मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स भी भेजे थे काफ़ी सारे, मैंने वो भी पढ़ लिए थे, एंड देन मैम ने भी कुछ काफ़ी सारे नोट्स मुझे भेजे थे, वो भी मैंने एक बार कर लिए थे. मॉक टेस्ट में 5 to 6 times सभी की रिवीजन कर चुकी थी, एंड देन जो नोटबुक्स थी वो भी रिवीजन कर चुकी थी. ठीक है, जो नोट्स आपने क्लासेस वगैरह में सुन के बनाए थे वो भी रिवीजन कर ली थी मैंने. ठीक है. कोई 3 मस्ट फॉलो टिप्स आप देना चाहो नेक्स्ट ईयर वालों को? कि मॉक टेस्ट की प्रॉपरली रिवीजन करो, देन अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करो, इवनली लाइक टू नाइट को तो प्रॉपरली ईजली अच्छा पढ़ा जाता है तो नाइट को प्रेफर करो पढ़ने के लिए, एंड देन थर्ड वन है कि मैम जो और सर जो लिखवाते हैं उनको प्रॉपरली नोट्स बना के लिखो. ठीक है. आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे? अपना रिव्यू दे दो. मैंने लाइक स्टार्टिंग 7 to 10 इनकी मैम क्लास होती थी, एंड देन मैं समटाइम्स 1.5 आवर मैं रेस्ट लेके देन
फिर रेस्ट लेने के बाद देन स्टार्टिंग फिर से क्लास स्टार्ट हो जाती थी. उसके बाद मैं हाफ एन आवर रेस्ट के बाद स्टार्ट कर देती थी अपना सेल्फ स्टडी करना. समटाइम्स मैम और सर शाम को भी क्लास ले रहे थे, देन मैं शाम को क्लास लाने के बाद 8 to 2 o'clock रात की पढ़ती थी. लाइक मोस्ट प्रोबेबली मैं 12 AM तक तो पढ़ती थी. अब वो बाकी मूड के ऊपर डिपेंड था कि कैसे आगे पढ़ना है, तो 2 AM तक भी मैं पढ़ी हूँ. समटाइम्स पापा और मम्मा आगे भी कहते थे सो जा, बट मुझे ये होता था कि मैं कवर कर लूँ जितना हो सकता है, फिर बाद में टाइम नहीं आएगा. बिल्कुल सही बात है, अगर आपने इतनी मेहनत करी तभी अच्छा रिजल्ट आया ना. अभी आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? मैंने फर्स्ट किया है GMC पटियाला, सेकंड किया मैंने GMC अमृतसर, थर्ड मैंने किया DMC गवर्नमेंट कोटा, फोर्थ मैंने किया है फरीदकोट एंड फिफ्थ वन मैंने किया है DMC मैनेजमेंट कोटा. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि डीमोटिवेशन हो रही है जी, नहीं पढ़ा जा रहा. अब आप उनको समझाओ कि कैसे मोटिवेटेड रहें. मोटिवेटेड जो आपको लाइक डीमोटिवेट कर रहे हैं उनसे तो ऑब्वियस है दूर रहो, और जो फैमिली कह रहे हैं ना, जो टीचर्स कह रहे हैं उनकी गाइडेंस पे चलो. दूसरों लोगों की मतलब डीमोटिवेशन ही होना चाहिए. ठीक है ओके. आपका जैसे बिल्कुल ही प्लान चेंज हुआ ना, कि पहले फॉरेन जाने का था, फिर वही 2-3 महीने में मतलब आपने कितने मतलब इमोशनली कितना चेंज हुए होंगे. पहले बोर्ड्स का स्ट्रेस, बोर्ड्स ख़त्म हुए साथ में, फॉरेन का प्लान वो ख़त्म अभी हुआ साथ ही में, न्यू बिगनिंग शुरू होगी कि नर्सिंग करनी है, ये है. तो ये मतलब आपका कैसा रहा फेस? इस फेज में लाइक पहले तो स्टार्टिंग में मैं था, अभी मैंने जस्ट पेपर ही देना था PTE का. मेरा जस्ट अभी 5 डेट को मैंने 5 अगस्त को पेपर दे देना था, मैंने फिल आउट ही करना था एग्ज़ाम की डेट. देन जब मैं लुधियाने आई, मैंने पटियाले से की थी 2 मंथ्स की कोचिंग ली थी, एंड मैं फिर जब लुधियाने आई सो पापा कह रहे थे कि बैंक के इशूज़ आ रहे हैं. देन मैंने कहा कि चलो फिर रहने देते हैं. फिर अगले दिन हमने क्या कहते हैं, हमने YouTube में मैंने वीडियो देखी है सर की, एंड मैंने फिर साथ ही कॉल कर दी थी. एंड देन हम फिर यहाँ पर मैंने ऑनलाइन बेसिस पे ले लिया, और देन शाम को फिर सर ने उसी दिन ही शाम को मेरी ऑनलाइन क्लास ली थी 7 to 10, और सर ने उस दिन पूरे क्लास 11 के फॉर्मूलाज हमें करवाए थे. सो उसके बाद फिर मैंने ऐसे ऐसे करके मतलब उन्होंने जैसे सर और मैम करवा रहे थे उनके गाइडेंस पे फिर करते रही, तो वैसे होता रहा कि ठीक है दिया. तो अब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सनी कोचिंग क्लासेस के साथ कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छा उन्होंने मैम और सर ने तैयारी करवाई है, और जैसे मैंने मैम से एक बार पूछा भी था कि मैं इससे अलावा क्या तैयारी करूँ, मैम ने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस भी दी थी. मैम ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, सर ने भी बहुत मोटिवेट किया कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक दिन कॉल भी की थी कि मैम मुझे लगता है डर लग रहा है कि मेरा शायद नहीं होगा क्लियर, बट मैम कहने कहा कि हो जाएगा क्लियर, इतनी टेंशन ना लो. सो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, मुझे याद है आपकी कॉल आई थी उस दिन, आप काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहे थे. यस, मैं उस दिन रोई भी थी. ठीक है, फिर कॉल के बाद हो गए थे चुप. हाँ जी. तो 1 month में वैसे तो क्लियर करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, या परसेंटाइल बहुत पीछे आ जाते हैं. दिस ईयर भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी परसेंटाइल पीछे होगी, तो आपने तो ना कि सिर्फ क्लियर किया बल्कि इतनी अच्छी परसेंटाइल भी मतलब हासिल करी है. तो आप अभी क्या कहना चाहेंगे कि बाकी बच्चे भी कैसे आपकी तरह कर सकते हैं जो किसी रीज़न की वजह से पहले नहीं तैयारी कर पाए? 15-20 days में तो तैयारी, तो जैसे हमने प्लस वन प्लस टू में तो पढ़ा होता है, सो हमें याद मतलब ईजली होता है कि कुछ ना कुछ तो याद होता है. बाकी टीचर्स के भी ऊपर है, लाइक सनी कोचिंग क्लासेस में मैंने इतना कुछ सीखा कि उन्होंने प्रॉपरली लाइक फार्मूलाज, मैंने सर को एक बार कहा कि सर मुझे फार्मूलाज चाहिए, सर ने देन नेक्स्ट ही टाइम मुझे भेज दिए फार्मूलाज एंड होल लाइक PDF भेज दी थी. जैसे मतलब लाइक टीचर की गाइडेंस देते रहते हैं वैसे वैसे करते रहेंगे, अकॉर्डिंग टू मी क्लियर हो ही जाएगा, ईजिली क्लियर हो जाएगा. जैसे आप टीचर की गाइडेंस सुनोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, देन ऑफ कोर्स ईजिली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट अभी अपनी 11th या 12th में है, तो आपके अकॉर्डिंग उसे पहले बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद इसकी तैयारी करनी चाहिए PPMAT की, या साथ साथ ही शुरू कर देना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी ये 6 months में तो ईजिली क्लियर हो जाता है, बाकी उनके ऊपर है कि कैसे करना है. ठीक है ओके. क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, क्या हम आपकी ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.